नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं रोजगार से जुड़े टॉप 5 जॉब वैकेंसी के बारे में। आज के इस टॉप 5 जॉब वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे एनबीसीसी, ओपीएससी, यूआरईडीए, सेल एंड इंडियन आर्मी वैकेंसी के द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा निकाले गए जॉब वैकेंसी के बारे में। पद का नाम है नर्सिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसे अभी तक साझा नहीं किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश में 50% अंकों का होना अनिवार्य है। वहीं ग्रेजुएशन पास होना भी नर्सिंग में अनिवार्य है। वहीं जहां तक एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 4 साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 साल उम्र सीमा बताई गई है। वहीं एप्लीकेशन फी की बात करें तो ₹750 आवेदन शुल्क मांगे गए हैं। वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 तक है। इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी के द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ओडिशा सिविल सर्विसेज ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 392 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 21 से लेकर 32 साल तक रखी गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी में ₹500 मांगे गए हैं। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में कोई शुल्क नहीं लगेंगे। वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो पद पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी 2021 तक है। इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी कि एनबीसीसी के द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 20 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पीजी डिप्लोमा और एमबीए का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 35 साल उम्र सीमा निर्धारित है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए ₹500 निर्धारित किए गए हैं। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से कोई भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो लास्ट डेट 1 मार्च 2021 तक है। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल से जुड़ी रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल कंसल्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 13 पदों के लिए आवेदन की मांग की गई है। वहीं डिसिप्लिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड जनरल सर्जरी में डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएनबी इन सभी का किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 41 साल उम्र सीमा निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹500 शुल्क निर्धारित किए गए हैं। वहीं एससी, एसटी, पीएच और किसी भी डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं मांगा गया है। वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो 7 मार्च 2021 अंतिम तिथि है। इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूआरईडीए देहरादून के निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोजेक्ट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 6 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। वहीं कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं एज लिमिट की बात करें तो कुल 21 से 42 साल उम्र सीमा रखी गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो यूआर ओबीसी में ₹300 आवेदन शुल्क मांगे गए हैं। वहीं एससी एसटी के लिए ₹150 आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो लास्ट डेट 13 मार्च 2021 तक है। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।